लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सोमवार यानी 1 जुलाई को राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया और इस पहले ही भाषण से पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाषण में राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा वार किया और जमकर तंज कसा। भाषण के दौरान कभी राहुल भगवान शिव की तस्वीर लिए खड़े दिखे तो कभी उनके हाथ में गुरु नानक का पोस्टर दिखा। लेकिन इस बीच राहुल एक बड़ी गलती भी कर गए। राहुल के कुछ बोल अब उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपने स्पीच में कांग्रेस नेता ने कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 2400 घंटे हिंसा और नफरत में लगे रहते हैं। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल भी होने लगा। लेकिन राहुल के इस भाषण पर अब बड़ा बवाल हो गया है। उनकी टिप्पणी का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भारी विरोध किया। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीच स्पीच में खड़े होकर इस बात पर जोर दिया कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर मामला है। बीजेपी ने राहुल की लोकसभा स्पीच को लेकर उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है और उन पर हिंदुओं को हिंसक कहने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस नेता को न केवल समुदाय बल्कि भारत माता की आत्मा को आहत करने के लिए माफी मांगना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदू भारत की आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में डूबे रहने वाले समूह के राजकुमार इस बात को कैसे समझेंगे? आपको दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी, आज आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है लेकिन भारत माता की आत्मा को आहत किया है। गौरतलब है कि अपने भाषण में गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला किया और कहा कि हिंदू धर्म भय, नफरत और झूठ फैलाने के बारे में नहीं है। उनकी टिप्पणी संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आई। मोदी ने गांधी के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर मुद्दा है। हालांकि गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी और आरएसएस संपूर्ण हिंदू समाज नहीं है। राहुल के इसी बयान को अब बीजेपी उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच राहुल गांधी ने कहा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं, आप हिंदू नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है, उन्होंने भाजपा के बारे में बोला है, भाजपा के नेताओं के बारे में बोला है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।